चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं महाराजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले अवैध उत्खननकारी, जिनके गुंडई का सामना आज पुलिस को भी करना पड़ा। मामला ग्वालियर के महाराजपुर थाने का है, जहां महाराजपुर पुलिस को डीआरडीओ के अधिकारियों के द्वारा शिकायत मिल रही थी कि डीआरडीओ की जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा मशीन से अवैध खुदाई की जा रही थी। जब इसके शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो जेसीबी मशीन से मुहर्रम की खुदाई चल रही थी। डीआरडीओ की जमीन पर अवैध रूप से मुहर्रम खोद रही कांग्रेस नेता की जेसीबी मशीन को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो जेसीबी चालक ने थाने की मोबाइल गाड़ी पर जेसीबी को चढ़ाने की कोशिश की। उसकी इस जानलेवा हरकत पर पुलिस ने जेसीबी के टायर पर राउंड फायर करने पड़े। फायर करने के बाद जेसीबी चालक ने गाड़ी को कांग्रेस नेता के घर पर खड़ा कर दिया। पूरी घटना के बाद जब पुलिस कांग्रेस नेता के घर पहुंची तो करतूत के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यवाही का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने खुदाई कर रही जेसीबी मशीन एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चार लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। वहीं अन्य तीन आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। महाराजपुरा क्षेत्र का मामला है ये। डीआरडीओ के द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनके ज़मीन पर अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसके कंप्लेंट उपरांत थाना टीम वहाँ पे गई तो वहाँ पे जेसीबी से अवैध उत्खनन देखा गया, तो पुलिस टीम ने उसका पीछा किया गया और वहाँ पर उन लोगों ने अपनी जेसीबी आगे भगाई और एक घर में चले गए। वहाँ पर जब पुलिस पहुँची तो उन्होंने काफ़ी पुलिस के साथ भी सही तरीके से व्यवहार नहीं किया, जिसपे एक और मुकदमा उनके ऊपर पंजीबद्ध किया गया 353 का। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज।